सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। ये देखिए, ये मुरमुरा है, यानी लाई इसको कहते हैं, चावल की। आज मैं चावल की लाई के साथ और चने का टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना रही हूँ। ये देखिए, ये रही कढ़ाई और ये रहा चमका, इसको मैंने डाल दिया। अब इसमें प्याज डाल दूँ और कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँ। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे चने। अब हमारे चने फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। चने फ्राई होने के बाद हम इसमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी मिर्ची। अब इसके बाद हम डाल देते हैं मुरमुरे। इसको कम से कम 2 मिनट इसी तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, अब हमारे चने और मुरमुरा सेक के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, कड़क हो गए। अब हम इसमें, गैस हमारी बंद है, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी टमाटर इस तरीके से। हमें चटपटा बनाना ना इसको। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा डाल देते हैं नींबू आधा। अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धाना। गैस हमारी बंद है, गर्म है कढ़ाई, इसी में हम इसको उलट पलट कर रहे हैं। ये देखिए, टेस्टी टेस्टी मुरमुरा बन करके तैयार हो गए। 5 मिनट में हमारे मुरमुरा बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए,